डरने वाली चीज तो है ही ना। आवाज करते रहो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, हमारी 11:30 हो रही है। धूप बहुत तेज है। रीजन ये है क्योंकि कल का जो व्लॉग था मेरा दलाई लामा जी वाला, वो वाला थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लग रहा था, इसलिए अपलोड भी लेट हुआ होगा अगर आप लोग देख रहे होगे तो। नहीं देख रहे हो तो मैं आपको आई बटन आप देख लेना, उसमें उसको जरूर से देखा, बहुत बेहतरीन था वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा, हम लोग जाएंगे, एक छोटा सा फॉल है, छोटा सा फॉल नहीं है, अच्छा फॉल है, लेकिन पास में ही है, बटवारी हमारी जगह है, वहाँ से ही है। और बहुत ही औसम क्या व्यू है, जाने का जो रास्ता है, वो जो हैंगिंग ब्रिज है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ देखो बैग साथ में है ना मेरे, वैसे हमेशा रहता है लेकिन ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये चैलेंज हमारा स्टार्ट है। क्यों, हम साथ ही साथ उसको भी करेंगे, अपना ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रैकिंग भी करेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे, काम से नो लापरवाही, दोनों को मैनेज करेंगे, यही चैलेंज है, करते हैं। और बाकी अभी चलते हैं, गाड़ी मेरी हो गई है पूरी गर्म। तो गाइस अभी देखो मैं बीच रास्ते में काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देख रहे हो नबू भैया अंकुर जी को लेकर के, वो थोड़ा अपने गांव ऊपर गए हैं, यहाँ पर भी आपको एक अलग से व्लॉग गांव का दिखाएंगे, ऊपर माता जी का मंदिर भी है। एंड तब तक मैंने सोचा भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, बैठ करके यहाँ पर काम कर लेते हैं। व्यू देखो आप कितना तगड़ा है, देख रहे हो। और ये यहाँ देखो अपना रिजॉर्ट, ये रहा रिजॉर्ट नीचे। ये देखो गए तो चले गए, हम भी चलते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपना काम वाम जो था थोड़ा मोड़ा कर लिया, चलते हैं हम भी। देखो ये वाला रास्ता हम लोग जाते नहीं है, हरसिल की तरफ इसी वाले रास्ते जाते हैं, हम लोग का वेट कर रहा हूँ, वो लोग शायद फोटो वोटो खींचने में लग गए। हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर नीचे शहर, देख रहे हैं ये सब, यहाँ से होते हुए फिर हम लोग ऐसे वॉकिंग करते हुए फिर देखो दिख रहा है वाटरफॉल, दिख रहा होगा मे बी शायद, ये देखो यहाँ जाना है हमें, ये जगह पे यहाँ चलेंगे। अभी देखो ये यहाँ पर हॉस्पिटल है, पटवारी में एक ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहीं है ये रूट। वो देखो क्या प्यारा व्यू दिख रहा है सामने, इतना प्यारा व्यू है। यहाँ पर सब ट्रैकिंग की जा रही, खाने पीने की, क्योंकि ना हम लोग जैसे कल गए थे करतान के लिए, बहुत भूख लग रही थी, यहाँ पर भी भूख लगेगी। उधर चल रहे हैं, वाटरफॉल उधर है उसके बगल में, वहाँ जाएंगे, बहुत मजा भी आएंगे। पानी भी हम गलती से नहीं लिए, लेकिन हम लोग यहीं कहीं फाउंटेन जो गिरेगा मतलब वही वाटरफॉल उसका पानी पियेंगे। देखो हम लोग आ गए हैं, ये देख रहे हो प्यारा पुल, ये झूलता है, हैंगिंग ब्रिज है, थोड़ा सा डर लगता है लेकिन चलेंगे। ये हैंग देखो घूम, अभी वो क्या रहा है, हिल रहा है, देख रहे हो, और क्या व्यू है देख रहे हो। ओ भाई जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ पर, मैं बहुत डर गया था, मतलब डरने वाली चीज़ तो है ही ना, कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन चलते रहो। गाइस जान रहे हो मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, लास्ट में मैं अंकुर भैया के साथ आया था, तो वो उनके साथ आया था, मैं तो डर गया था। भैया ने मुझे बहुत पूछ के, अरे चल 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 चल, तब जाके चले हम लोग, बस आ गए। देखो गाइस हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, ये रास्ता है इंटर कॉलेज आता है यहाँ पर पटवारी का, यहाँ से जाने का रास्ता है, लेकिन ये नब्बू भैया है ना, इनको जल्दी लगी हुई है, ये शॉर्टकट लेके चल रहे हैं, दो दिन से इतनी चढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे करने लग गए इतने माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। तो गाइस ये इंटर कॉलेज पीछे वाले रास्ते से लेके जा रही है, गाइस वो है बुग्याल, ग्यारह बुग्याल, ये वाला पार्ट। अरे गौ माता आ गई, पहले उनको जाने दो, इनके लिए रास्ता साफ करो, आ जा पहले, वो लोग ऊपर चले गए, हमारी गौ माता है ये, और इनके लिए रास्ता दिया जाए इनको, आइए इधर से जाइए, सुन रही हैं आप, इधर से जाइए, हमको जाने दीजिए, हटो जाने दीजिए, जय हो गौ माता। चलो भाई ऊपर चलते हैं, कौन कौन रास्ते से लेके आ रहे हैं भाई, सिंपल सा रास्ता है उस पर जाना था ये भैया। गाइस हम लोग नीचे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से रास्ता बंद है, मैंने पहले ही बोला था भैया से कि नीचे से चलिए, मेरी बात कोई सुनता नहीं है ना। सो गाइस ये देखो हमारा छोटा सा बछड़ा देख रहा था अभी प्यार से, ये नब्बू भैया थकाएंगे पक्का है, मैं ही सही हूँ गाइड, सही सही से रास्ता बता रहा था मैं ऊपर तक भी लेके चला जाऊँ, बस कोई साथ में रहे लोकल। तो गाइस हो गया एडवेंचर स्टार्ट,
चलते हैं पानियों के बीच पे और फिसलते हैं। ये कुछ भाई लोग हैं, भाई लोग क्या लोकल हैं, काई भाई को लाए होंगे। देखो इसी को क्रॉस कैसे किया जाएगा, और ये देखो यहाँ काई है, बच के चलना पड़ेगा। देखो गिर रहा होगा तो कुछ नहीं कर सकते। भाई का फोन गया, अब IP68 की टेस्टिंग होगी। ये देखो भीग गए भाई, ओ तेरी ये तो भीग गए। आराम से चलने को, आराम से चलने को। देखो पूरा भीग गए और हम यहाँ पानी का मजा ले रहे हैं। तो गाइस ये देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा फॉल है, कितना अच्छा फ्लो आ रहा है। गाइस ये देखो कितना प्यारा है, वो दिख रहा है वाटरफॉल, वो है और बहुत ऊपर है वो। देख रहे हो गाइस कैसे में चलना पड़ रहा है, इन सबके बीच से चलना पड़ेगा। ये देखो, चलो यार चल ही लेते हैं। बाबू आ जाओ, वो आराम से आ रहे हैं, उनको परेशानी होगी बाद में। गाइस आगे हम लोग वाइल्ड में, यहाँ पर हमें बात करते हुए चलना है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है भालू का डर। वो देख रहे हो कैसे कैसे हैं, ये देखो गाइस किधर चलना है। अरे ओ चलते रहो, आवाज करते रहो। देख रहे हो अभी ये रास्ता, फिर यहाँ से क्रॉस करते हुए उधर, फिर इधर क्रॉस करते हुए, फिर ऐसे क्रॉस करते हुए फिर ऊपर जाएंगे। पत्थर होते हैं ना बहुत फिसलन वाले होते हैं, जितने ब्लैक होते हैं, इनसे बच के आना होता है। कैसे आएंगे, देखो फिसल रहा है, देखो कैसे फिसल रहा है, क्या हुआ, देखो क्या कर रहे भैया। नबू भैया वहां से पत्थर उठाएंगे, उस पर डालेंगे उस पर। ओहो गाइस इसको क्रॉस करना बहुत टफ है, देख रहे हो पूरा फिसलन है, इसको कैसे क्रॉस करेंगे मुझे भी नहीं पता है। ओह भीग गया भाई, पैर भीग गया। चलो चलो यहीं से। अरे यार गाइस गाइस देख रहे हो, अरे बाप रे कैसे आना पड़ रहा है। ये एक्चुअली ऐसा है, देखने में लग रहा है आसान लेकिन सब टफ है, पर करना पड़ेगा। चश्मे पूरा धुंध हो गया है, ऐसे ऐसे ट्रक से तो नहीं आए थे हम लोग। पेड़ को पकड़ो, पेड़ को देखो वाटरफॉल है, और इनको देखो ये मेरे पीछे भार भी है, देख रहे हो ये भार भी इतना बड़ा, और हमें वो जाना है वाटरफॉल, दिख रहा है वो, देखो दिख रहा होगा वो। और भैया चढ़े पड़े हैं, भैया तो यहीं से आ गए थे नबू भैया, देखो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से पक्का ना कोई रास्ता होगा। तो गाइस ये देखो हम लोग यहाँ पहुँच गए, क्या नज़ारा है यहाँ से, देख रहे हो कितना प्यारा नज़ारा है। तो गाइस देखो भी गांव पर आ गया हूँ, अब यहाँ से चढ़ करके हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। एक एक चीज कठिन है यहाँ पर, क्योंकि पानी ठंडा है पहली बात तो, ठीक है आप पानी को पी भी सकते हो, लेकिन ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये फिसलन बहुत है, ये दिक्कत करे। हटिए हेलो, वर्कआउट किया थोड़ा तो काम होना चाहिए ना, क्या मत बस वो है ना कहीं पैर फिसल ना जाए, बस वही दिक्कत है। हटो, रॉक पे नहीं रखूंगा, बीच में रखूंगा जहाँ पानी है। मैं आ रहा हूँ, हटो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इस वाले को हटा दो, नीचे कर दो इसको अब। अरे पैर नीचे जाएगा, चलो यहाँ से इन लोगों को मैं अब लेकर के आ रहा हूँ। कहाँ से जाएंगे, तो गाइस अभी ना थोड़ा सा थक गए, लेकिन ना थकावट इतनी नहीं लग रही है क्योंकि पानी है। चलो पानी पी लेते थे माने, मजेदार पानी है, मजा आ गया गाइस प्राकृतिक आनंद लेते हुए। गाइस देखो कहाँ पर आ गए हैं, और जानते हो मेरा जो केबल है वो कहीं रास्ते में ट्रैकिंग करते करते गिर गया, तो मेरा बैटरी भी जाने वाला है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भटवारी वाटरफॉल, देख रहे हो क्या सीन है। ओहो, अलग ही है, अलग ही सीन है, क्या प्यारा व्यू है।
अन्ना यहाँ पे बैठ के भी हम काम भी करेंगे थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल का चार्ज तो है नहीं, जितना है उतना कर लेंगे। बहुत ठंडी लगती है, ठीक है पानी आ रहा। अलग ही नजारा है, देख रहे हो एकदम पास है वाटरफॉल के, अलग ही व्यू है। यहाँ का पानी देख रहे हो कैसा है, बहुत गहरा है, पैर समझ में नहीं आ रहा क्या है। हमें यहाँ से चलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि है ना पूरा भीग गया, पता ही लगा है। फोन पे जो अपना वाटरप्रूफ वाला है, लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा ना गाइस। देखो हम यहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं देख लो। एक्चुअली अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, है ना, अभी बैठ करके यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ देर यहाँ काम करेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे, बैटरी जाने वाली है। अब सीधे डायरेक्टली जब आपको मिलूंगा ना नीचे का, नीचे सब ना पूरा वो हो गया है एकदम, क्या बोल सकते हो, एकदम टाइट हो गया है वो। तो बार बार दिखने का मन कर रहा है वो फूल। तो आज का बस गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको ये लोकल फटवारी वाटरफॉल अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर रहा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बढ़िया से अगले और अच्छे व्यू के साथ, तब तक के लिए लिव रिच। और चीज़, ये हमारा वाटरफॉल है ना, मतलब बाय रोड ओनली 3 किलोमीटर से हमारे रिजॉर्ट से, भगीरथी रिजॉर्ट। इसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा क्या क्या चीज़ें पास से हैं। ये वन ऑफ द बहुत बहुत ही अच्छा एडवेंचर इसको कर रहा है ना, मज़ेदार वाला, बेस्ट है ये।